आत्मिक समाधान के माध्यम से बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा आप सभी पर होने जा रही है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज करते भगवान सन्यासी बाबा की, जय जय श्री राम। सामने से थोड़ा सा रास्ता आप दे दीजिएगा। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, दादा गुरुजी महाराज की, चमीटा बाले बाबा की, दिव्य दरबार की, नमा पर पार्वती पते हर हर, बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों की, नमः पार्वती पते हर हर। आज मोहारी की इस धरती पर कथा के ठीक बाद हमने जैसा कि कहा था कि दिव्य दरबार भी लगाएंगे। कारण बहुत विलंब इसलिए हो गया क्योंकि कथा भी करनी थी, दिन में धूप भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए पहले कथा का क्रम पूरा कर लिया। अब दिव्य दरबार खूब देर तक लगाया जाएगा। सुबह से धूप बहुत थी, आप परेशान ना होवे, बस आपकी सुविधा को देखते हुए इस प्रकार का कदम उठाया है। आप मन में राम नाम का जप करें, बालाजी से प्रार्थना करें कि बालाजी आपकी अर्जी सुने, भले ही पर्चा ना बने। दरबार का ये नियम है, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, तुम भी यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। सबकी झोली को बालाजी ने भरा है, तुम्हारी भी झोली बागेश्वर बालाजी भरेंगे। जो भी लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, तीन महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करेगा, शनिवार या मंगलवार 21 पेशी के अंतर्गत कली काल में, ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोगों की जय जयकार हुई, जाओ तुम्हारी भी जय जय हो जाएगी। लेकिन नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, अंधविश्वास में बिल्कुल ना पड़े, देख कर भरोसा करें। आपने क्या पूछा है, हमारे पर्चे पर क्या लिख कर आया? कलयुग में हनुमान जी के होने का यही प्रत्यक्ष प्रमाण है, आपके बोलने से पहले ही पर्चे पर लिख कर रख दिया जाएगा कि आपकी समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। यह परंपरा कोई नई नहीं है, कोई अंधविश्वास फैलाने वाली बात नहीं है। पागलों, हमें हमारे गुरुजी से, हमारे गुरुजी को सन्यासी बाबा से प्राप्त हुई है, हमारी तीन पीढ़ियों से परंपरा चल रही है और इन तीन पीढ़ियों के दिव्य दरबार की परंपरा में आज तक जो कह दिया, जो लिख दिया, वो कटा नहीं, ऐसा बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। स्वयंभू हनुमान जी बैठे हैं बागेश्वर धाम पर, स्वप्रगट बालाजी हैं। और हमारा तो मानना है कलयुग में सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने के लिए, और जो सनातन को पाखंडी अधार्मिक बताते थे, सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाते थे, ऐसे धर्म विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बालाजी का दरबार लगता है। बोलो जय सियाराम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, हर हर। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अब भाई समय तो लगता ही है, अब क्या बताएं, हमारा भी तो बुढ़ापा आ गया। अब हम थक जाते हैं ना, दिन ना रात सेवा करते हैं, दिन ना रात दरबार कथा करते हैं, लेकिन हम वचन देते हैं जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे।
और बालाजी की बड़ी कृपा है, सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियां हैं, दादा गुरु जी का प्रभाव है। आप लोग मन में राम नाम जप करें, जिन्हें बुलाएं वो यहां आवे, अपने प्रश्नों का आप समाधान लें। बाकी जितने भी लोग बैठे, ये तय है आज सबकी अर्जी लगेगी, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। बोलो जय सियाराम, बोलो दादा गुरु जी की, प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। नमः पार्वती पते हर हर। एक बात और, एक बात यह है, तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ। हाँ, क्योंकि हमारे पास है वाईफाई, हम दिखा रहे, ये है, ये बड़ा हाई फाई है, तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ। ये बिल्कुल कान खोल के सुन लो, ये धमकी नहीं है, डिस्क्लेमर है। हाँ, कि तुम फिर बाद में कहो गुरु जी हमारा वीडियो डिलीट करवा दो, ठटरी के बरे न कटा, तो तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वाले हनुमान जी को पता ना हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा एक बात और, आप ये बताओ, तुम लोग एक समस्या का समाधान चाहते हो हमसे या प्रत्येक का, जोर से बोलो, प्रत्येक का, प्रत्येक का कौन कौन चाहता है जरा हाथ उठाओ, पक्का कि कच्चा, जो समय के हो समय, हमारी बात मानोगे, पक्का पक्का हमारी तीन बातें मानोगे। चलो पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि हम तो मूर्ख नालायक हैं, हम पढ़े लिखे थोड़ी हैं, अनपढ़ गवार हैं, गुरु जी के दास हैं, पर जैसे भी हैं हम बालाजी के हैं, पर तुम हमारे पी चक्कर में मत पड़ना, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते हैं, जिनके बल पर तुम्हारी समस्या मिट जाती है, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। और पेशी का मतलब धाम पर जाने का नियम, लगातार नहीं जा सकते, महीने में एक बार जाओ, दो महीने में जाओ, तीन महीने में जाओ, लेकिन नियम का पालन तो करना। अगर आप नियम का पालन करोगे तो जाओ, तुम्हारी जय जय हो जाएगी। तीसरा नियम, बालाजी के सामने जाना, जाकर कह देना जाओ हे बालाजी, अब नहीं हमें भटकना, अब हमारी हंसी मत करवाना, बालाजी आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए, जाओ लौट कर तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। और जब जब संकट आएगा, संकट मोचन बनकर बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो जय सियाराम। अब हम दरबार शुरू करते हैं, सन्यासी बाबा को प्रणाम करते हैं, उनको उनकी सेना को बुलाते हैं, जो आपका विषय हो उसका समाधान लीजिए, बालाजी के चरणों को पकड़िए। जितने भी लोग पंडाल में बैठे हैं, जाओ तुम्हें आज से किसी भी दरबार में भटकने की आवश्यकता नहीं है, जाओ तुम्हारी अलाय बलाय भग जाएगी, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। और जाओ जब जब तुम पर विपत्ति या संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी।
लेकिन तुम नियम भर का पालन करना, ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना। मेरे पागलो, कलिकाल में बागेश्वर बालाजी प्रत्यक्ष है, उनकी महिमा प्रत्यक्ष है, हम उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। जय सियाराम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राम गुरुजी, सीताराम बालाजी, सीताराम। मन में राम नाम जपो। आज के दरबार में जो पंडाल में विराजमान हैं, ये तो पंडाल के अंतर्गत ही बुलाए जाएंगे। बाएं हाथ में जो छोटे वाले पंडाल में बैठे हैं, वहाँ से भी दाहिने हाथ का इस तरफ का हो गया, राइट साइड का, जो जहाँ से बुलाया जाए वहाँ से प्रवेश करेंगे। ये जो लोहे की बनी है, ये डी बनी हुई है, ये एक डी दो डी जो लोहे वाली ये जो बैरिकेटिंग है, इसको डी कहते हैं। हमको गुरु जी ने आज के दरबार में जो संकेत बालाजी महाराज की दिव्य शक्ति के साथ हुआ है, पहला संकेत सन्यासी बाबा की आध्यात्मिक समाधान सत्र में आशीष नाम का बालक दूसरी डी में मध्य में विराजमान है, आप खड़े हो जाएं, आपकी अर्जी दरबार में स्वीकार हो गई, पीले रंग की पटकी डाले हुए हैं, कुर्ता पहने हुए हैं, आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। यस, आ जाइए। हाँ, आ जाइए। और दरबार में एक और प्रार्थना है, अपना नाम अपनी समस्या किसी को नहीं बतानी है, बालाजी की कृपा में ताकत होगी, किसी भी कोने से उठाकर बुला लिया जाएगा, यही कलयुग में हनुमान जी के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन हां, हम तुम्हें ये सावधान होकर बताएं पागलो, पर्चा से कल्याण नहीं होना है, हनुमान जी की चर्चा से कल्याण होना है। पर्चा तो बहाना है, असलियत में पूरे भारत के लोगों को हनुमान जी का बनाना है। अंगली अर्जी, अंगली अर्जी लास्ट की डी में,
अरविंद नाम का एक भैया कोने की तरफ, अंतिम छोर में पंडाल के कोने की तरफ में अरविंद नाम के भैया विराजमान है, आ जाओ, आपकी भी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। हाँ आने दो राम, तीसरी अर्जी, तीसरी अर्जी बालाजी की प्रेरणा अनुसार बाएं हाथ से स्वीकार हुई। बाएं हाथ में पंडाल के बाहर में प्रियंका नाम की एक बहन जी विराजमान है, वहां कोने में आप आ जाएं। बहन जी आपकी भी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। कोने से यहां प्रवेश के लिए कहां जगह है, आने के लिए कहां से जगह है, सेवादार है कोई? ये जरा भाई ऊपर की लाइट कम करो, हमको दिखता नहीं है, बुढ़ापे की आंखें हैं ना हमारी। हां बैठाते जाओ, जिनको बुलाते जाए उनको बैठाते जाओ। चौथी अर्जी राम, साधु जी हर 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 हर, यह अंगली अर्जी पर संकेत सन्यासी बाबा ने चश्मा लगाए हुए ये जो माताजी विराजमान हैं, माताजी आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। मध्य में ये जो चश्मा लगाए, हाँ साथ में है कोई तुम्हारे, लेकर के आओ। जो पीली साड़ी वाली माताजी साउंड के पास खड़ी हुई हैं, इनको प्रवेश करवा दिया जाए, इनके साथ में जो भी हो मिल यहां अंदर बैठा दें। राम, गुरुजी सीताराम बोलो, हर हर। इसके बाद अंगली अर्जी, यहां पहली डी में एक आज्ञा और आई है। हां पहली ही डी में यहां विजय नाम के एक भैया विराजमान है, सामने में कोई शर्ट पहने हुए, तौलिया डाले हुए। हां 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 आ जाइए। साथ में कोई है तुम्हारे? ओ भाई साहब साथ में है कोई? हां तो ले आओ, आओ नक्कटा, इधर आओ। अंगली अर्जी राम, हां भैया जो भी सेवादार यहां हो, यहां पर कोई एक चश्मा लगाए माताजी खड़ी होगी, टिकी हुई, हमें दिखाई नहीं पड़ रही हैं, टिकी हुई चश्मा लगाए, हां जरा उन वो टिकी होंगी। हाँ हाँ आ जाओ, तो आओ मत आई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो जिनको भी बुलाए गए हो, पहला नंबर कोई भी भेज दो। मन में राम नाम जप करो, अर्जी भी लगती रहेगी, बुलाते भी रहेंगे, और जाओ सबकी अर्जी स्वीकार होगी। आइए भैया इधर आइए, शोर न मचाओ। कहां से आए हो? हैं? माइक लो। डोंगरगांव। कहाँ पड़ता है ये? ये मोहाड़ी से 3 किलोमीटर दूर। मोहाड़ी से 3 किलोमीटर दूर। पहली बार आए हैं? हाँ जी। यहाँ तुमने नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने पूछा था क्या? किसी ने भी नहीं पूछा। हमें कैसे पता चला बताओ? आप बाबा जी की कृपा है सब। खाओ हमारी कसम। कसम से बाबा जी बताए ही नहीं।
तुम मानते हो कि कोई बिना बताए बुला सकता है? नहीं जी। तो तुम्हें तो बुला लो आगी के लगे, भगवान की कृपा। इधर आइए नजदीक। क्या नाम है? आशीष मिश्रा। ठीक है, बताएं क्या समाधान हनुमान जी से पाना चाहते हैं? हमने लिख लिया। तबियत पानी तबियत खराब रहती है। ठीक, और क्लेश जो है मन में चिड़चिड़ापन, वो भी चिड़चिड़ापन। ठीक है, और घर में शांति होना चाहिए। ठीक है, हम कैसे माने कि तुमको ही बुलाया है? ऐसे तो तौलिया और कुर्ता पहने भी बहुत लोग हो सकते हैं। आपके पिताजी का नाम क्या है? हृदय राम मिश्रा। पढ़िए, पढ़े लिखे हो? किसी को बताए तो नहीं? आशीष हृदय राम के पुत्र हैं, घर की अर्जी लेकर आए, पेट में दिक्कत, परिवार में उपद्रव, लगातार बीमार रहते, सिर में बोझ बनता, कलेश बहुत होता है, आज से आराम लगेगा, अपच दूर हो जाएगी, आशीर्वाद है। रोइए मत, बताइए हाँ या ना, बराबर? कोई संदेह? तुम्हारे यहाँ ब्रह्म राक्षस का प्रभाव है, ब्रह्म प्रीत है, तुमने स्थान भी दिया, कई जगह हो आए हैं, 2016 से बीमार है, सिर में बोझ बनने लगता है, एक ना एक शरीर में दिक्कत होती है, पूरा घर वर्तमान में कलेश में है, बहुत उपद्रव मचा हुआ है, जगह बदलने की सोच रहे हो? जगह बदलने की आवश्यकता नहीं है, तुमको 1.5 साल में स्वास्थ्य में पूर्ण आराम लग जाएगा, जाओ, आशीर्वाद है। कोई एक मिनट, आप पहले भी कहीं गए? हाँ जी। जो आपने यंत्र मंत्र जंत्र लिया है उसकी आवश्यकता नहीं है, हमने अपने वाईफाई में देख लिया है, तुमने अलवारी में रख रखा है, उसको विसर्जित करें, नारियल को भी विसर्जित करें, हनुमान जी के चरण पकड़ें, हनुमान चालीसा वो सुंदर कांड के 3 पाठ करवा दें, हम तुम्हें कवच देंगे, धाम से देंगे, तुम्हारा बाल बांका नहीं कोई कर पाएगा, जाओ आशीर्वाद है। बागेश्वर महाराज की जय। ये मंत्र पहले पढ़ लो, हम पर टीवी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, ये मंत्र आपका हमने नीचे वाला लिखा है, अभी बड़ा है पर पढ़ लीजिए, मंत्र ना दिखाओ तो ठीक है, नहीं तो दिखा दूं। ये लीजिए, वहां से भभूति बस बस आशीर्वाद। चलिए दूसरा भेजें, राम बालाजी, सीताराम गुरुजी, सीताराम। पागलो, मन में राम नाम जप करो, बस बस बस, रोना नहीं है माताजी। कहां से हो? नागपुर से हो? क्या नाम है? अच्छा, यहां तुमने किसी को बताया तो नहीं कुछ? चलो रो मत। अच्छा, नागपुर वाले दरबार से जुड़ गई थी? अरे मिल नहीं पाए? अरे राम राम, हम का बताएं, आई एम वेरी वेरी बिजी, तो रहते हैं। देखो, हमारी अंग्रेजी पे तुम लोग ज्यादा भरोसा मत करना, हमारी अंग्रेजी इतनी खतरनाक है कि अंग्रेज भी आत्महत्या कर लेंगे। साधु जी, पढ़ी लिखी तो हो? थोड़ा पढ़ी, हम भी कमाई पढ़े, ज्यादा पढ़े होते तो आईएएस ऑफिसर ना बने होते। आओ माताजी नजदीक, बोलो, माइक ले लो, अच्छो रहे। क्या जानने आए?
बागेश्वर धाम की जय सीताराम, बागेश्वर धाम की जय, बालाजी भगवान की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, बागेश्वर धाम। हमने पूछा प्रश्न क्या है, ठीक है, बेटी के बारे में जानना है, क्या जानना चाहती? लेकिन हमारे हिसाब से तो उसकी शादी हो चुकी है, कोई खत्म हुआ है, कोई खत्म हुआ उसके यहां, बेटी के यहां, हम बताएं? अच्छा, तो अब हम बता रहे, गलत बोले तो टोकना है। हमने ये लिखा, माइक ले लो, हां या ना बोलना है। 1991 से पूरा घर हैरान है जी, आपका जी, जी, भाव मेरा घर था, घुटनों में दर्द, सामंजस्य ना बनना, सभी बहुत परेशान रहना, धन तंगी 2017 से बढ़ गया, सभी पर कृपा होगी, टोटका भी किया गया, बेटी का विषय लाई, 2 वर्ष से कलेश मचा है, कलेश मचा है, विवाह हो चुका है, द्वंद मचा है, बच्चे भी हैं 2, कलेश उपद्रव मचा रहे, रखते नहीं, आरोप तंत्र का चरित्र का लगाते हैं, परिवार से सामंजस्य बन जाएगा, बेटी का घर बस जाएगा, आशीर्वाद है। जय बालाजी भगवान की जय, जय सीताराम। क्या ये सभी बातें सही? सच, 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 कोई संदेह है? नहीं, किसी को बताई तो नहीं है तुमने? नहीं, नहीं, आप नागपुर की नहीं हो? मूल निवास कहां है? हाँ, उसी गांव में कुलदेवी हैं, उन कुलदेवी की पूजा तुम्हें करनी पड़ेगी, उसी के कारण ये पूरे घर में उत्पात मचा है। हम आपको नारियल देंगे, उनको तुम घर पर स्थान दो देवी का, जाओ 3 महीने के अंदर प्रभाव देख लेना, हनुमान जी की वाणी मिथ्या नहीं होगी, जय जय होने लगेगी। पर नियम करोगी तो, नहीं करोगी तो ना तो हम हनुमान जी है ना तुम जो है अंजना माता, इसी में मंत्र लिख दिया। अच्छा, जय हो मताई, लहसुन प्याज नहीं खाती? हमारे प्राण खा लो। अंदर ऐसे ही बुद्धू बना देते। चलो जाओ, आओ आओ, आइए हुजूर। तुम बहुत बदमाश आदमी हो, तुम बैठे बैठे काटते के ऐसो कैसे को वहां बुला सकत हैं? वो तो बोल देते होंगे, नाम से उठ जाते होंगे, इसीलिए हमने तुम्हारी फिर सफेद तौलिया बुलाई थी ठटरी के बरे। बैठ जा, देखो भाई, मुंह चलाओगे हम छोड़ेंगे नहीं, बराबर छीलेंगे, क्योंकि हमें हनुमान जी ने भेजा ही इसीलिए सनातन का पताका फहराने के लिए। कहां से हो? तिरोड़ा? ये तिरोड़ा कहां है? गोंदिया, महाराष्ट्र में। क्या नाम है? तुमने यहां नाम लिखवाया था क्या? तुमने तौलिया बताई थी क्या? नहीं जी, हमें कैसे पता जी? आगे के लगे पढ़े लिखे तो हो? हाँ जी। देखो, हमें हनुमान जी ने कृपा दी तो किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी, हमें जगत कल्याण के लिए हनुमान जी ने कृपा दी है, हमारे दादा गुरु जी को सिद्धि जो मिली है जगत कल्याण के लिए मिली। हम आपको प्रार्थना करें, हम तो कुछ नहीं जानते, बस तुम्हारी श्रद्धा
हनुमान जी के चरणों में मजबूत हो जाए, इसीलिए हम दिव्य दरबार लगाते हैं, वरना हमें तो कोई फायदा ही नहीं। ना तो हम दान लेते हैं, ना हम दक्षिणा लेते हैं दरबार का, हां कथा का जरूर लेते हैं। अब पेट भी तो हमें पालना है, अन्नपूर्णा भी तो चलानी धाम पे, कन्या विवाह भी तो करना है, तो और कलाकारों को भी देना है, बाकी दरबार के द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं लिया जाता। पूरे भारत के लोगों को हनुमान जी का बनाना चाहते हैं और भारत में राम नाम का झंडा फहराना चाहते हैं। और महाराष्ट्र के पागलों, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। अर्जी स्वीकार करो, जो हनुमान जी ने सुन ली। हनुमान जी सच्चे हैं कि नहीं? है, सच्चे हैं। तुम कच्चे हो। बोलो क्या समाधान पाना चाहते? हमने लिख लिया, दोनों बच्ची पढ़ाई में अच्छी निकल जाए मेरी। क्या नाम है उनका? आंचल नाम है एक का और एक प्रांजल। एक आंचल को क्या घर पे कहते? हाँ, उपनाम आंचल ही बोलते। ठीक है, हम बताएंगे। बोलो और बोलो। घर में सुख शांति रहे। ठीक, आशीर्वाद रहे। ठीक, एक प्रश्न और रह गया। व्यापार के? हाँ, ये पढ़ो। क्या लिखा? व्यापार। व्यापार कम चलता, कृपा चाहते, पितृदोष का उपाय कराएं, बेटियों पर कृपा बनी रहेगी, दोनों नाम रोशन करेंगी, नौकरी पाएंगी, आंचल उर्फ गुड्डी पर हनुमान जी की दया होगी, वह सफलता पा जाएगी। आप चिंता ना करें, जीवन भर के लिए जुड़ना चाहते हैं उसका भी आशीर्वाद है। बराबर, तुम हनुमान भक्त हो? रोज जाते हो मंदिर। बहुत हनुमान भक्त, बहुत प्यारे हो। वही सुमर रहता हनुमान जी को, आपने मेरा नाम ले लिया। अच्छा, पेट की पीड़ा किसको हो गई थी? बच्ची को छुई थी आंचल को। अच्छा, इन्फेक्शन हो गया था? हाँ जी हाँ, इन्फेक्शन हो गया था। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही तो दिखवाया। हाँ, अभी दिखवा करके ही तो आए। हाँ हाँ, ठीक है, वो भी सही हो जाए। अच्छा हाँ, बता दे, यो कैंसर नहीं है। अच्छा, आंतों की दिक्कत बनी है। अच्छा, हल्की सी आंतों में इन्फेक्शन हो गई, एक छाला आ गया। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर की सलाह बहुत अच्छी है। अच्छा, डॉक्टर के पास गए थे, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, उसी को चलावे। और दूसरा एक और है, आगे चल करके सिविल सर्विसेज मार्ग में आशीर्वाद कह देना हमारा, एक बार बागेश्वर धाम के दर्शन करवा दियो। ठीक, हम तुम्हें व्यापार का कवच देंगे, वर्तमान में मध्यम है, तेज गति पकड़ लेगा, एक आदमी भी पीछे लगा हुआ है, हमने उसका भी डिटेल निकाल लिया है, उसके लिए हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। तुम सावधान रहना, तुम्हें नहीं वो फंसा पाएगा, संतोष को गधा मारने का क्या दोष। खुश रहो। कोई संदेह? बात एकदम सही, जाओ खुश रहो। चलिए अंगला भेजिए, जब तक इनकी अर्जी लग रही तब तक अंगली आज्ञा। राम, साधु जी, गुरु जी, राम नाम भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की। हां, तीसरी बाली डी में हाथ बांधे हुए जो एलईडी के पास में खड़े हैं, लाल वस्त्र पहने हुए, आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। दूसरा, राम, गुरुजी सीताराम बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, दिव्य दरबार की, नमः पार्वती पते हर हर। दो अर्जियों पर और प्रकाश डाला। यहां जो चश्मा लगाए बहन जी और कार्ड टांगे हुए बैठी हैं, आ जाइए, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गई है। साथ में कोई हो तो लेवा ले आओ, ताकि तुम लोग एक तरफ हो ना, तुम्हारी बड़ी बड़ी जुल्फे हैं, एक तरफ होइए भैया।
तो भैया एक तरफ हो ना, एक तरफ हो, यहां एक चश्मा लगाए बैठा है बालक, नहीं पीले पीछे डांडी वाला और पीछे, हाँ हाँ खड़े हो तुम, बहुत बदमाश हो ठटरी के बड़े, आइए तुम्हें धराओ नक कटा, आ आओ माता जी इधर। क्या नाम है, कहां से हो, कहां पढ़ती है? अच्छा तो मैंने जानती, अच्छा यही महाराष्ट्र में कांटी बिरसोजर बिरसोला, अच्छे गांव के नाम है यहां है, मध्य प्रदेश। अच्छा तुम बागेश्वर गई थी, अच्छा नियम को पालन कर ले हो, हाँ श्री राम जय राम। राम तुम पहली बार आई, पहली बार में ही अर्जी लग गई, बोलो बागेश्वर धाम की। तुम पढ़ी लिखी हो माता जी, को आओ संगे, इनका एक लड़का आया हुआ है भैया, इनका बालक है असाटी, हल्दी पसाटी को भेजो जरा, प्रवेश करवाओ। कहाँ है, देर मत करो भैया, नहीं भी अगर तुम पढ़ पाओ तो हम स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं, नहीं नहीं स्क्रीन पे भैया, स्क्रीन पे तब तक देखो, ये उपाय और अच्छा है। हाँ ये पहले हमने स्क्रीन पे दिखा दिया है, अब बोलो क्या समाधान चाहती है। माइक से बोलो, सबको पता लगना चाहिए क्योंकि इससे अच्छा नहीं। हाँ अब बताओ, बड़े बेटा की तबीयत ठीक रहे, हाँ तीन गाड़ी है, ठीक है घर परिवार में सुख शांति रहे, ठीक है पढ़ो। तबीयत ठीक नहीं रहती, घर में उत्पात मचता है, सभी को धन तंगी है, तीन वाहन है नहीं चलते हैं, स्वास्थ्य बड़ा बेटा का खराब, कलेश करता है, सुधर जाएगा, लव शादी उसने की थी, लवेरिया किया था और सफल होगा, जोड़ा से रह रहा है, खुशी खुशी रात, कोई बीच में मन में लगो रात के कहूं उल्टो ना कछू हो जाए, लेकिन बहू ठीक है, चलंदो लवेरिया। पढ़ो, शुभ समय 2024 दिसंबर से आएगा, 18 मई 2025 के बाद तुम्हारे घर में वाहनों में वृद्धि होगी और आज से ही कलेश शांत होगा, जाओ आशीर्वाद है। कोई संदेह, एकदम सही, निकल जाओ। चलें अंगला, राम गुरुजी धाम आ जाइयो भैया, ओए धाम आना है, पेशी करनी है, नियम करना है, नियम पेशी करोगे तभी पर्चा फलीभूत होगा, नहीं करोगे हम भगवान नहीं है, हम तो बताने वाले माइक सिस्टम है, बताने वाले बालाजी हैं, पर जो लिख दिया जाएगा, जो कह दिया जाएगा, अगर नियम का पालन करोगे तो सूर्य भगवान पूर्व से उदित होते हैं पश्चिम से नहीं, उसी प्रकार पर्चा भी कटने वाला, ऐसा हमें हनुमान जी पर भरोसा है। चलो आओ बोलो दोनों हाथ उठा के, बागेश्वर धाम की। हाँ प्रणाम, कहां से हैं,
पहली बार आई हैं? दरबार में इसके पहले आई हूँ नागपुर में। अच्छा, धाम पे अर्जी पहली बार लग रही? हाँ। किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? नहीं, गुरुजी बिना माइक। श्री राम। अरे बालाजी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। बोलो क्या समाधान चाहते? काय का भेजा था? माँ भी तो आई ना आपकी। धाम कितनी बार गई? फोटो हुई दी है? अलग होने के लिए कहते हैं। माइक से ना बोले भैया, एक मिनट के लिए माइक बंद कर देना। राम, ठीक है चलिए। हाँ, आपकी कोई निजी बात है आपको जो अरे बहन आराम से, भैया ये देखना है पटिया को, जो टीवी माइक पे नहीं बोलना है आप बेझिझक हमको बता सकते हैं। हमें आपकी बेइज्जती नहीं करनी है, न आपकी हंसी उड़वानी है। हम बिना माइक के भी, बिना टीवी के भी आपको समाधान दे सकते हैं। कहो बदमाश, हम बता रहे एक मिनट में। कहां के हो तुम? सर के, इसीलिए बदमाश हो न कटा। क्या सोचते थे तुम हमारे बारे में? वैसे तो तुम हमारे चेला हो, हमें बहुत मानते हो, लेकिन तुम्हारे मन में हमारे लिए कीड़ा बहुत आते हैं बीच बीच में। अब वो कीड़ा की खुजली हम करें दे रहे। नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं बताएंगे, बस कांड भर बताएंगे। एक मिनट। राम, पढ़े लिखे हो? बोलो क्या समाधान चाहते? माइक ले लो। हाँ, और मम्मी के पैरों में बहुत तकलीफ रहती है और पापा मतलब जितना काम करते हैं उतना उनको फल नहीं मिलता है। हाँ, अपने बारे में क्या जानना? महाराज जी माइक बंद कर देते प्लीज। माइक बंद कर दें प्लीज।
उसका क्या होगा, जो सिस्टम चल रहा है तुम्हारा महाराज जी। चलो लो इतना भर दिखाओ टीवी पे, ना 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 ना। माँ आई है ना? माँ आई है मेरी। ठीक है, यही तुम सर के हो? हाँ तुम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा सफल शर्मा। ठीक है, माइक नीचे रख लो, हम बोलेंगे नहीं, तुम पढ़ते रहना। ना समझ में आए टोकना। हाँ बस इतना ही में है। अबे तो तुम्हारी पिक्चर वहां की है, अबे कांड भी बताने के तुम कितने घर बसाए। चलो तुम्हारी बेइज्जती नहीं करनी, लेकिन तुमने, हमने तुमसे कहा था तुम्हारा कीड़ा हम खुजाएंगे, अब आज से भक्त बन जाओगे? अब आज से तो नहीं उल्टा सोचोगे? कान पकड़ो जाओ, तुम माफ हो, माँ के पैर की पीड़ा ठीक हो जाए, बहन की भी दिक्कत है, पिता के काम की दिक्कत है, बहन के जो इवन को लेकर के भी एक दिक्कत बनी हुई है, वो भी हमारे पास है, वो भी हम निपटवा देंगे, तुम्हारी हंसी भी नहीं होगी, नाक भी नहीं कटेगी, उल्टे उपद्रव तुम छोड़ना चाहते हो, गलत वृत्तियां छोड़ना चाहते हो, सतमार्ग पे आना चाहते हो, लोग तुम्हें यूज करते हैं, राजनैतिक षड्यंत्र भी करते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हो, समाज सेवा भी करना चाहते हो, इन सब का तुमको आठों चीजों का आशीर्वाद है। बुला लो मम्मी। मम्मी बुला। आ जाओ आ जाओ। राम, हम बता रहे हैं, एक मिनट, टी शर्ट वाले ये जो धारीदार पहने, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। चाहे तुम पढ़े लिखे हो, चाहे तुम जैसे हो, अपना भाई भाई वेरी हाई भाई है। चलो अंगला भेजो। हाँ, उन्हें जब तक हम बाद में आशीर्वाद दे नहीं, पहले हम अर्जी और लगा दे। जाओ तुम शर्मा जी। सागमा पधा, आइए 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 आइए। कहां से हो हुजूर? गोंदिया से। बैठो। ऐसे बालाजी की तरफ मुंह कर लो, नजदीक आओ। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की।
क्या समाधान चाहते हो? ठीक है, हम बताएंगे। हाँ, गोंदिया से पहली बार आए, ठीक है। किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? मम्मी को भर बताया, बाकी तो नहीं किसी को बताया। तो कहा मम्मी ने हमें थोड़ी बता दिया होगा। अच्छा, उनको लेकर आए, माइक लो। नहीं नहीं माइक लो, हेलो हेलो ले हो। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही? आ रही। आ रही। हाँ हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। देखो हमने यही बुद्धू बना दिया। आर्थिक विकास हो जाए, परिवार में विघ्न बना, पिता को खून जम गया सिर में, उनकी अर्जी लेकर के आए हैं, लकवा लगा है, कृपा होगी। माँ को भी पैरों में दर्द बना हुआ है, पिता को चलने में समस्या बन जाती है। 2021 के अंत से पूरा घर हैरान है, आज से ही आराम लगने लगेगा, आशीर्वाद है। बराबर, कोई काम पूरा नहीं होता, ये तो सबकी अर्जी है। कारण हम निकाल लें, एक मिनट रुको। पितृ दोष है, पितृ दोष है, आपको पितरों का उपाय करवाना पड़ेगा, दया में पिंडदान करवाना पड़ेगा, नियम को पालन करना पड़ेगा। हम पिताजी के लिए भभूति भी देंगे, डॉक्टरी सलाह भी चलाओ, एक्सरसाइज भी करवाओ, हम विधि करेंगे, मंत्र चिकित्सा करेंगे, हनुमान जी कृपा करेंगे, आराम तय है, इसमें कोई संदेह नहीं, बात मिथ्या नहीं होगी, जाओ आशीर्वाद है। वहीं से प्रणाम करवा दो, चलो प्रणाम कर दो पंडित। जय हो मैया, चलो उतर जाओ। अगला नंबर, प्रणाम चेला, आइयो धाम, धाम आइयो। कहां से हैं? दूर से प्रणाम करो। नागपुर में कहां रहते? नजदीक आओ, नीलगांव सुमन विहार, भील गांव, राम, दोनों हाथ उठा के बोलो सीताराम, बागेश्वर धाम की जय। बोलिए बालाजी के चरणों में क्या समाधान पाना चाहते हो आप? बोलिए, जी और नजदीक आओ, और अपने बारे में क्या जानना? ठीक, पढ़िए। आप इनके ही भक्त हैं, इनको ही मानते हैं, चिंता घर की बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं, जाओ आज से दरबार की कृपा होगी, सुख शांति पूरे परिवार में बनी रहेगी, आशीर्वाद है। और क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? भतीजे उपद्रवी हैं, तुम्हें साधना नहीं पाना है, साधना हनुमान जी की। हमने तीन बातों को और उल्लेखित किया जो हमें सन्यासी बाबा ने प्रेरणा दी। भतीजों आदि में कलेश ना हो, इनकी बुद्धि ठीक हो जाए, भाई भाई एकता में रहें,
सामंजस्य बना रहे व आपको साधना प्राप्त हो गए, बालाजी की कृपा प्राप्त हो गए, जीवन सफल करना चाहते हैं, जाओ जीवन भी सफल होगा और जन कल्याण के काम करोगे, आशीर्वाद है। और कोई कष्ट मत मानो, आप ये मत मानो कि आपके वंश नहीं है तो आपका नहीं, आपका है परिवार, हनुमान जी हैं तुम्हारे, ठीक। हाँ भेजो, बोलो बागेश्वर धाम की अंगली आज्ञा। जब तक ये दरबार की अर्जी स्वीकार हो रही है तब तक बागेश्वर बालाजी की प्रेरणा अनुसार हम हां दाहिने हाथ में जो भैया बीचों बीच चश्मा लगाए हुए, पतला चश्मा आंखों का लगाए खड़ा है, आ जाए, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई। जो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, बेटे आ जाओ यहां से, हाँ हाँ हाँ, जिन्होंने उंगलियां खड़ी, आ जाओ, हाफ टी शर्ट पहने हुए जो भैया हैं उनको जरा प्रवेश करवा देना, चश्मा लगाए आ रहे हैं वहां से बाहर से, हाँ आ जा बेटा, यहीं से कूद जा ऊपर, यहीं से ऊपर चढ़ जा, चढ़ जा, हाओ जो उंगली खड़ी करें, आ जा, चढ़ जा, चढ़ जा, यहीं से टंग जा ऊपर, आ जा, आ जा, आ जा, जो ये उंगली खड़ी करें हाफ टी शर्ट वालों, इसको ऊपर चढ़वा देगी भैया, हाओ आ जा, आ जा, आ जा, आओ बहन। तब तक दूसरा राम, गुरुजी सीताराम, नमः पार्वती पते हर हर, बोलो बागेश्वर धाम की, दादा गुरुजी महाराज की, अंगली अर्जी। दूसरी बाली डी में वहां मध्य में मोहन नाम के भैया विराजमान हैं, आप भैया खड़े हो जाओ, आपकी भी अर्जी स्वीकार हो चुकी है, हां आ जाइए। ये जो गोमुखी वाले आ रहे हैं इनको प्रवेश कराना है, आइए। कहां से? नागपुर में कहां रहती बहन? बोलो क्या समाधान चाहती हूं बहन? हां पूछो, ठीक है, वो तो सबके यहां होता है। हां और मतलब आरोप ऐसा बोलो और पूछो, हमने ऐसा लिखा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, बहुत परेशान है, सिर पे बोझ बना रहता है, कोई काम नहीं होते हैं, धन नहीं रुकता है, बहुत समस्या बनी हुई है, आपके ऊपर आरोप चारित्रिक लगाए जाते हैं, लगातार परेशान किया जाता है, बहुत उपद्रव भी मचता है, यह सभी व्यर्थ और मिथ्या है, पूर्व में तुमसे भूलें हो चुकी हैं, वर्तमान में सब ठीक है, जाओ आर्थिक तंगी दूर होगी, परिवार एक रहेगा, आशीर्वाद है। बराबर, कोई संदेह? हाँ
हमने आपके लिए यह अर्जी लगाई आपका मकान बिक जाए, खुश? दूसरी जगह योग बनेगा, बराबर। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं, स्थान पर दोष है। पहले हाँ बगल वाली बहुत ज्यादा, आप बहुत जगह हो भी आई हो, बहुत जगह आपने देखवा लिया है इसको, आप बहुत जगह दरबारों में जा चुकी, बहुत जगह आपने दिखवा लिया, बहुत जानकारों से आप रास्ता ले चुकी, बराबर। हम देख चुके आपके बारे में पूरी, हमने डिटेल निकाल ली। तो सब जगह जो आया वही हम कह रहे, जो बगल वाली है वो खतरनाक है, और मकान बदलना उचित है, उचित है, पर मकान बिकेगा बढ़िया रेट में। अब आपकी ये टेंशन है, इसका भी आशीर्वाद, बराबर। हाँ उसका तो कुछ नहीं हो सकता, बाकी हम करवा देंगे, ठीक। चलो धाम आइयो, पेशी करियो धाम। हाँ चलिए आइए। जय सियाराम। जिसको भी जहां समझ में ना आवे तुरंत टोकना है, आप पढ़े लिखे हो बिराजो, तुरंत टोकना है क्योंकि बाद में फिर कोई नहीं समझा पाएगा। आओ भैया नजदीक आ जाओ, इधर आ जाओ। कहां से आए? मोहाड़ी से हो? मोहाड़ी में कहां रहते? बोलिए क्या समाधान चाहते हैं, ठीक है। कुछ जानना है फिर भी पूछो, आप जो पूछो हम वो बताएंगे जो तुम्हें जानना हो। हाँ किस मार्ग में? जैसे ठीक, पहले तो हमने यहां से, आप तो पढ़े लिखे होंगे, देखो देखने आए कुछ सोचा नहीं था इन्होंने। माइक से बोलो बराबर गुरु जी। बराबर देखने आए कुछ सोचा नहीं, केवल चले आए। मन उच्चाटित बहुत ज्यादा रहता है, परिवार को लेकर स्वयं को लेकर रास्ता क्लियर नहीं है आगे के लिए। निर्णय दरबार में शक्ति से पूछने आए, शिव भक्ति करें, जनमानस सेवा में आप उतरेंगे, इसी में आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। जाओ आशीर्वाद है, बराबर। जो ले जाओ मालिक पर्चा ले जाओ, एक मिनट बैठो। तो शिव पूजा करते हो? हाँ अब शुरू करो, ठीक। कुछ रास्ते भी तुम्हारे गलत हैं, बुद्धि विचित्र है और विसंगति भी ठीक, उसको त्याज्य करो। अब तक जो जिया वो अलग पार्ट था, अब अलग पार्ट तुम्हें जीना चाहिए। और ठीक है तर्क होना बहुत सही है, तार्किक होना सही है, कुतर्की होना खराब, ठीक है। तो तर्क हमें अच्छा लगा, हमने बुलाया ही तुम्हें इसीलिए कि तुम्हें बल्कि तुम आए थे मौज में, बच्चों के साथ में मौज में आए थे, देखने चले आए थे, लेकिन हमने तुम्हें खोजा इसीलिए ताकि तुम्हें भरोसा हो जाए कि हनुमान जी होते हैं। तुम भी इसीलिए आए थे, हम भी इसीलिए बैठे, बराबर।
माइक से बोलो जो बोला। एकदम बराबर गुरुजी। अब आइयो धाम पक्का। कब से छोड़ोगे सब? जय सिया राम। हार हार साधु जी। कहां से? यहां कहां रहे थे? अच्छा माइक चालू है। नागपुर में कहां रहते हो? तरोड़ी खुर्द। बोलो बागेश्वर धाम की जय। क्या नाम है? मोहन देशमुख। मोहन देशमुख। बोलिए क्या समाधान पाना चाहते हैं? पूजा भक्ति में लीन रहना चाहते हैं परिवार के साथ। पूजा भक्ति हाँ रहे और दोनों बच्चों का करियर। बड़ी सभी स्वस्थ रहे। भक्ति आपको बालाजी के दरबार से मिलेगी। मूलतः बच्चों की समस्या है, आगे उन्नति करेंगे, चिंता ना करें, वह नाम रोशन करेंगे। जॉब योग है, उन्हें नौकरी के मार्ग पर ले जावे, आपका भी सिर का दर्द ठीक रहेगा, आशीर्वाद है। जय सीताराम। जय बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु की, गुरु महाराज की। पहले देवी पूजा करते थे क्या? माइक लो। हाँ। पहले देवी पूजा करते थे क्या? हाँ जी। राम नाम जप करना है, हम विधि करेंगे, आज से जय जय होगी। जय सीताराम। हाँ, जो माता जी खड़ी हो गई हैं चश्मा लगाए हुए, आप आ जाएं। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। बहुत सुंदर, भेजा जाए, तुरंत भेजो। और इसके बाद में अंगली अर्जी। राम गुरुजी सीताराम। नमः पार्वती पते हर 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 हर। हाँ आइए जी। हाफ टी शर्ट पहने हुए हैं, धारीदार चश्मा लगाए हुए हैं, साथ में जो भी हो उनके आ जाएं। उनको सुन्नपन है, चलने में दिक्कत है, ब्लड क्लॉटिंग है, लेकिन फिर भी उनको पकड़ करके नीचे तक ले आवे। इसके बाद दूसरी अर्जी, आप आ जाएं। जो बिटिया काला दुपट्टा डाले हुए आगे बैठी है, हाँ बेटा आ जाइए, तुरंत आओ। इसके बाद अंगली अर्जी। साधु जी, जो दादाजी सेट पहने हुए चश्मा लगाए हुए मध्य में विराजमान हैं बीचों बीच, आ जाओ भैया। दादाजी, वृद्ध दादाजी, हाँ इनको भेज दिया जाए। थोड़ा जल्दी आ जाइए क्योंकि मौसम खराब हो रहा है, इसलिए बारिश के पूर्व में दरबार करना है। हनुमान जी कृपा कर रहे हैं, सबकी अर्जी लग रही है, जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, सामूहिक अर्जी भी सबकी लगाई जाएगी, अभी जल्दी मत जाना। अच्छा बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है, जरा हाथ उठाओ।
पक्का पक्का जाओ, तुम्हारी जय जय हो जाएगी। थोड़ा जल्दी भेजा जाए। हारे हारे बोलो बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। माताजी 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 कहां से हो? तिगोड़ा कहां पड़ता है? ये कहां पर है? ये गोंदिया महाराष्ट्र। बोलो क्या समाधान चाहते हैं? हाँ क्या जानना है? ठीक है हम बताएंगे। और ठीक पर और जानना है? घर में बहुत ज्यादा तनाव बंधन किया गया, नकारात्मक ऊर्जा है। बड़ी व छोटी बेटी दोनों हैरान रहती। वर्तमान में बड़ी बेटी ज्यादा बीमार है, पूरे शरीर में दिक्कत बनी हुई है। बहुत जगह दिखवा लिया, आराम नहीं लग रहा है। उसको दवा भी असर नहीं कर रही है। धाम ले आइयो, जाओ पूर्ण ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। उनको लाना पड़ेगा। पक्का? तुम्हारी भतीजी की बहुत तो दिक्कत है, भतीजी भी तो बीमार है, मरणासन्न स्थिति है, गंभीर हालत है, पेट में भी दिक्कत बनी हुई, शिथिलता भी आ रही है। कह देना गुरुजी ने भाई को, अपने भाई को बता देना गुरुजी ने बुलाया। शरीर शांत किसका हुआ? खत्म कौन हुआ? तीन तीन मृत्यु हुई ना। हाँ तो कह देना बुलाया है भतीजी को। हाँ खत्म हो गए। राम राम, वहां की मिट्टी चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा आई है, मकान की मायके की, तीन अकाल मृत्यु आई है। पक्का हम बैठे पर बाल बांका नहीं होगा आज से, कोई संदेह? एकदम सही। चलो जल्दी आओ, एकदम धाम आइयो, नियम शुरू कर दियो। भभूति वहां से ले लो, सुंदर कांड के पाठ घर पे करवाओ, आज से जय जय होइए। उनको बाद में। जय सिया राम। कहां से हो लाली? नागपुर में कहां रहती? राम तुम्हारे पास लिखा हुआ भी तो है? पापा आ सकते हैं क्या? यहीं पर है। कितने? सात प्रश्न लिख कर लाई हूं। माइक लो, तुम पर्चा पढ़ो क्योंकि हमें जल्दी जल्दी अर्जी लगानी। चलो माइक लो, तुम तो बाद में पढ़िए। सात प्रश्न पर्चे में लिख करके लाई हुई हैं, पिता के द्वारा दिए हुए हैं। भाई फार्मेसी के मार्ग में सफल होगा। घर में नकारात्मक ऊर्जा, पिता कलेश करते हैं, बात नहीं मानते, तनाव बना। गृह निवास सिवनी में बंटवारे का विवाद है, लड़ाई है, पक्ष में होगा। तुम्हारे कैरियर पे भी कृपा हो जाएगी, जाओ आशीर्वाद है। क्या एकदम सही? कोई संदेह?
जय सिया राम। सही है, कोई तंत्र ना, धाम आओ। आइए अंगला, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। बैठे, कहां से हैं, कौन है वो, कहां कहां रहती हूं तुम सर, माइक लो, क्या नाम है? अनीता। तुम सर में ही रहती? हाँ। बोलो बागेश्वर धाम की जय। पढ़ी लिखी तो है? हाँ। बोलो क्या समाधान चाहती? बस ये ठीक हो जाए। क्या हो गया है? पहले से सुन। पढ़िए, सुन्नपन है पति को, एक अंग बाएं में खून खून जम गया है, सिर में दबा असर नहीं कर रही है, धीरे धीरे लाभ होगा 40% तक, मंत्र चिकित्सा से हम आराम करवाएंगे, जाओ आशीर्वाद है। क्या एकदम सही? वो यहां आ नहीं सकते ना। चलो आइए दादाजी, दोनों हाथ उठा के पर बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, नमा पार्वती पते हर हर। जो रोगी है उनकी मुट्ठी बंधवा दो, जो रोगी आए हैं उनकी दोनों हाथों की मुट्ठी बंधवाओ। दादाजी बैठो, कहां से हो तुम सर? इसी गांव से। नमा पार्वती पते हर हर। आप पढ़ तो लेते हैं, किसी को अपना विषय तो नहीं बताया। बोलिए क्या समाधान चाहते हो, पूछो, क्या हनुमान जी से जानना चाहते, पूछो, जल्दी पूछना है। हाँ हाँ, और हमने भी कुछ नहीं लिखा, कोई परेशानी नहीं है, सभी ठीक रहेंगे, कुल देवी की पूजा करते रहें, बहु बेटों में भी सामंजस्य बना रहेगा, नाम रोशन करेंगे, जाओ आशीर्वाद है। ये मंत्र है, अच्छा शरीर पीड़ा किसको बनी थी, पत्नी को क्या हो गया है, उनको तो कमर दर्द आ रहा है, नस की दिक्कत बनी हुई है, L5 नामक नस दब गई है, जोड़ों की नस दब गई हुई है, उठने बैठने में पीड़ा बनी हुई है, उनसे कह देना ऑपरेशन नहीं होगा, अर्जी लग गई है, आ जाएंगी धाम पर, आशीर्वाद है। चलो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सभी लोग, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब जो भी अर्जी लेकर आए हो बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। मन ही मन बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा दादा गुरुजी को प्रणाम कर लो। जिनकी भी अर्जी नहीं लग पाई, हमें सन्यासी बाबा ने वचन दिया था कि जो भी सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देंगे, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी, बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी, और ज्यों ज्यों पेशी करेंगे त्यों त्यों आराम लगने लगेगा। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए हो मन ही मन 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम ओम
ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, हम जीवन भर आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन हमारी यह अर्जी स्वीकार करो। हमारा आपके बिना कोई नहीं है, हमारे घर सेना भेज देना। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हम फट स्वाहा। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो और हमारे बालाजी की तरफ छोड़ दो। फिर बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा 7 बार करो, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथों को आपस में फिर मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो। अब दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। अब कुछ अर्जियां और रह गई। एक तो ये बच्चा जो चल नहीं पाता लिए खड़े हैं, आ जाओ। ये व्हील चेयर पर जो है इनके साथ में जो भी है वो भी आ जाओ। तुम्हारे ऊपर तंत्र विद्या है, नकारात्मक है, नेगेटिविटी है, पागलपन छाया हुआ है। तुम पूर्व में भी दरबार में बैठ चुके हो, कवच देना है, वो धाम पे दे देंगे, जाओ आज से आराम लगने लगेगा। ठीक है, तुम नियम पालन शुरू कर दो। मौसम ठीक नहीं है और दरबार भी खूब लग चुका है, 1-1.5 घंटा लग गया, 2 घंटे। हाँ, अब दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की। आने दीजिए इनको, जो गंभीर मरीज वाले थे इनको आने दीजिए जरा, इनको मिलना जरूरी है। अच्छा, कल कथा में कौन कौन आने वाला है जरा हाथ उठाओ। पक्का पक्का पक्का, जय हो। 4:30 बजे कल की कथा का क्रम रहेगा, आ जाइए ऊपर। क्या नाम है बहन, आप कहां बैठी थी? अभी इनको आने दो, मरीजों को। धाम आइयो, आशीर्वाद। चेला खुश रहो, आओ नजदीक आओ, बहन नजदीक आओ। इसको पूरे शरीर में दिक्कत है, जन्मजात समस्या है, गर्भ से ही दिक्कत है, उठने बैठने में है। बहन ये लो, आज से जय जय होने लगेगी। जाओ आओ, आओ। पूरे घर में दिक्कत बनी हुई है बहुत ज्यादा। कहां की सुन्नपन है ना उसको, तो आज से लाभ होगा। आइए, उनको भी दिक्कत है, उसको सिर में दिक्कत हो गई थी, बिटिया को लेता ना, ये सुन्नपन है, नसें टेढ़ी हो गई हैं, चलने में दिक्कत बनी हुई है। आइए,
किसको? अच्छा जय जय हम मरीजों को मिल ले। उस मरीज के साथ में तुम जो लेटा हुआ है कहां है? उसको भी पूरे शरीर में दिक्कत हो गई, नसें घुल रही हैं, लाली की नसें घुल रही हैं, चलने में भी दिक्कत है। 20% आराम लग जाएगा। देखा हमने अकाल मृत्यु भी घर पर हुई, वो भी देखा हमने। अकाल मृत्यु देखा, पिता के बारे में भी देखा, बिटिया के बारे में भी देखा और शरीर में शिथिलता के बारे में भी देखा। हम उपाय करते हैं, आप नियम शुरू करो, ठीक? आशीर्वाद। चलो दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। आइए एक अंग पूरा रह गया है, शून्यपन हो गया है, दाहिने अंग में दिक्कत हो गई है, ब्लॉकेज बन गया है। हम उपाय कर देते हैं, आज से ही आराम लगने लगेगा। पेशी कौन करेगा? पेशी धाम की पेशी, पक्का बराबर। नियम शुरू करो, जाओ जय जय हो जय। अभी मालिश करो भभूति की। हाँ चेला कैसो है? नेत्रों की दिक्कत कहां से है? आप गंगा जल दे दियो, 10% लाभ हो गया। आशीर्वाद प्रणाम। हाँ हमें दे दियो, हमें दियो, हम सिद्ध कर दे भी धाम पर। आशीर्वाद, आज से कृपा होगा। इसको मंद बुद्धि है, पागलपन बनता है, मूक बद्धता भी है, उठने बैठने में भी दिक्कत है, चल भी नहीं पाता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, जन्म से दिक्कत बनी हुई है, गर्भ से समस्या है, बहुत जगहों पर होवाई है। जाओ बागेश्वर बालाजी के चरणों से आराम लगेगा। आशीर्वाद है, ठीक है? चलो जाओ। आ गए चेला, हम मिलेंगे। सीताराम तुम्हारे घर में सभी लोग कहां की हो तुम? सर की और कौन है साथ में? सभी बीमार रहते, इनको भी दिक्कत बनी गई, इन्फेक्शन बना हुआ है, सबको दिक्कत बनी हुई है, एक को पकड़ता है एक को छोड़ता है, लगातार बहन बनी हुई है। आप 3 दिन की अखंड ज्योति तुम सर में कहां रहती हो? रेलवे स्टेशन रोड पर। आप 3 दिन की अखंड ज्योति जला दो, हम नियम का पालन करवा देते हैं, सेना भेज देते हैं, भभूति का प्रयोग करवाना है। जाओ आज से जय जय होने लगेगी। बोलो जय सियाराम। तुम्हारा बता चुके ही है, पहले नागपुर वाले दरबार में बैठे थे तुम, पागलपन था, दिमाग खराब था। माइक ले लो, तुम तो माइक भी ले सकते। हेलो हेलो बोलो। हेलो हेलो। पहले दिमाग खराब था जी गुरुजी, पागलपन था जी गुरुजी, नेगेटिविटी की गई थी, उसमें आराम तुम्हें लग चुका है जी गुरुजी, पर अभी पूर्ण ठीक नहीं हुआ है, नहीं हुआ। तो आपको कवच धाम पर मिलेगा, आज से और आराम लगेगा, दिमाग ठीक रहेगा। और जैसे तुम्हें मौत के मुंह से बचाया है गुरुजी, क्योंकि तुम मरने जा रहे थे गुरुजी, आपने बचाया बालाजी ने, वैसे ही बालाजी सबको बचावे। जाओ आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत बोलो बागेश्वर धाम की जय। कहाँ रहते हो? नागपुर में गुरुजी। नागपुर में कहाँ? झंडा चौक। प्रेम झंडा चौक। पेशी करो धाम की। चलो धाम की पेशी जी। पूरी 21 करना, चूकना नहीं। जाओ तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, हम बैठे जिंदा वहीं पर। हाँ चलो बिल्कुल हम बैठे। क्या नाम है? इसको तो पूरे शरीर में दिक्कत है, ताकत नहीं ले पाता है। हाँ आयु भी बहुत ज्यादा हो गई, शरीर का विकास नहीं हो रहा है, उठ बैठ भी नहीं पाता है। इसको ज्यादा आराम तो नहीं, कुछ परसेंट आराम लगेगा, ठीक?
जाओ, डॉक्टरी सलाह भी साथ में चलाओ आशु हमें, हाँ पर समय लगेगा, थोड़ा आराम लगेगा पर समय लगेगा, धाम की पेशी शुरू करो। कुछ परसेंट, लगभग 25%। हाँ अच्छा अच्छा, हनुमान चालीसा रख लो, एक मिनट में ही करनी है, समय नहीं है हम पे। कैसे हो चेला, कैसा है अब, कहां से आए हो? नागपुर वर्धमान नगर। राम बोलो, बागेश्वर धाम की। अच्छा दिमागी दिक्कत है, मानसिक दिक्कत है, पागलों जैसी हरकत करता है, ध्यान नहीं इसको रहता है, उल्टी सीधी हरकत करता है, गंदा रहता है, अघोरी पना अच्छा लगता है, डॉक्टर में आराम नहीं लगा है, उन्होंने मना कर दिया है, बीच बीच में बहुत एग्रेसिव हो जाता है, तोड़ फोड़ करता है, मारने काटने लगता है, जाओ आज से ही आराम लगने लगेगा, आशीर्वाद है। नियम पेशी शुरू करो, चलो हाँ हाँ दे दो, धाम आइयो। अच्छा धार दो, खुशी राम, चलो पेशी शुरू कर दियो, पर्चा हम उतई बना के दे देंगे। हाँ बोलिए, इतने देर में तो बात कर ही लेनी, उसके लिए फोटो दे दियो, हमारी जी लगा देगी, ठीक आशीर्वाद। बाकी चर्चा धाम पे, अर्जी पे। अगला, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। भैया जो भी सेवादार हो, वो बूढ़े महात्मा जो हाथ में बोतल लिए खड़े हैं ना, चश्मा लगाए हुए हैं, बूढ़े दादाजी, इनको भी बुला दो जरा। कहां से आए? गोंदिया। ये तो मिल चुका है ना। अच्छा माए आई थी, हमने उनको बता दिया है, विधि भी बता दी है, वही पद्धति करनी है, अलग से कोई उपाय नहीं, बालाजी कृपा करेंगे, मस्कुलर दिक्कत है, जाओ आराम लगेगा, चलो। अच्छा लो बहन, खुश रहो बेटा, आशीर्वाद। हाँ हाँ बस बस बस, प्रणाम नहीं करना, खुश रहो, चलो। और चेला साथ में है कोई तुम्हारे? कहाँ है? जा बुला ले आओ। अब दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। इसके बाद साधु जी, बालाजी, जो दादाजी यहां पर हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, पीला कुर्ता पहने हुए, चश्मा लगाए हुए, हाँ इनको ही बुला दो जरा। आओ माता जी, रो ना, इधर आओ। कहां से हो माँ? रो ना, बात करो, कम समय है माता जी हमारे पास। राजस्थान में कहां से आई हो? नागौर जिला राजस्थान से। धाम गई? धाम बागेश्वर नहीं पहुंची, अब पहुंचो, नियम शुरू करो, ठीक है, जाओ शिथिलता में आराम लगेगा, आशीर्वाद। जय सियाराम, आज सियाराम में हो गया, आ जाने देना, क्षमा हो, ठीक हो, कहां से हो? इनको तो पूरे शरीर में दिक्कत है, प्राकृतिक समस्या है, गर्भस्थ, उतना लाभ तो नहीं पर कुछ परसेंट लग जाएगा, जाओ जय हो। जो विट्ठल नाथ लिए हुए लाली बिटिया खड़ी है, इनको बुला दो। भैया विजय, ये जो बालक हाथ जोड़े खड़ा हुआ है, सफेद कुर्ता पहने, उसको बुलाओ। हाँ तो क्या नाम है तुम्हारा? सागर ओम प्रकाश, सेवादार हो यहां, जाओ हम तुम्हें मंच से कह रहे हैं, तुम्हारी धर्म पत्नी के ट्यूब में दिक्कत बनी हुई है, पर तुम्हारे घर पर बेटा होगा, जाओ आशीर्वाद है। बस बस बस, चलो हाँ
हम धाम आ जाइयो, काली रेशम दे दियो, बालाजी जय जय करें, जाओ बाणी मिथ्या नहीं होगी। हाँ धन्य, हमारे लिए। कहां से हो आप? नागपुर से हो? धन्यवाद। और क्या है, जरा पटकी देना बच्ची को। क्या नाम है तुम्हारा? चश्मा तो। ठीक लग रही, हमने लगा ली। कहां के हो? नागपुर में। मनीष नगर। तुम्हारी टोपी छोटी है, हमारी बड़ी है। आशीर्वाद, लो खुश रहो। अब बागेश्वर धाम आना तुम, पक्का? ले लो हाथ में भभूति, ले लो, जाओ खुश रहो। आइए, क्या हाल है? कहां हमें ध्यान है, तुम शिष्य हो। मन कैसा है? भजन ज्यादा करो, मन बहुत उच्चाटित रहता है। जाओ सवाद से जय जय होने लगेगी। तुम्हें हम कवच दे दे भी। बिल्कुल बिल्कुल, रोना नहीं, कोई नहीं, आज से जय जय होगी। जाओ आशीर्वाद। चलो, वो विट्ठल नाथ जी जो लिए हैं, आने देना छोटी बच्ची। साधु जी, वाह वाह वाह। लो लो लो, प्रणाम मत करो। धन्यवाद, बस मेरी बहन, प्रणाम नहीं करना, पटकी दे। हाँ, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। ये जो माता जी हमारे दादा गुरु जी का चित्र लिए हैं, ये लेता ना जरा। आशीर्वाद, धाम ले वाले आइए, बालाजी के दर्शन, जय जय हो जय। साधु जी, बालाजी। इसी के साथ बालाजी के चरणों में दोनों हाथ जोड़िए सभी लोग, बोलो ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। कहो हे बालाजी, हमारे घर सेना भेजो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जितने भी दरबार के इस क्रम में विराजमान हैं, खड़े हैं, जाओ बालाजी कृपा करें, आज से तुम सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। तुम्हारे ऊपर आज से बालाजी की कृपा हो जावे, अलाय बलाय दूर भग जावे। जाओ, जो भी तुम अर्जी लेकर के आए हो वो पूर्ण हो जावे। ये बालक के हनुमान जी ले लो, आ जाओ दादाजी। कहां से आए हो? कहां पड़ता है ये? त्रोड़ा तहसील में। पहली बार आए? अच्छा अच्छा, जाओ आज से स्वास्थ्य ठीक रहे। घर की भी तुमने अर्जी लगाई थी, घुटनों की लगाई थी, पैर की पीड़ा की लगाई थी, उपद्रव जो मचा हुआ है उस पर भी हमारे पास आ गई है। तीनों पे कृपा हो जाए, ऑपरेशन ना हुई है, पेशियों नियम शुरू कर दिए, धाम की महीने में एक बार। रहने दो, ये सब नहीं, ये सब आवश्यकता नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये सब
हम दक्षिणा लेते ही नहीं। खूब जय जय हनुमान जी की, खूब बात बात बात, बहुत आशीष हनुमान जी, जय जय सदा बालाजी की। तुम हमारे पगला हो और धाम ले आओ जरा पटके। अच्छा वाह वाह, महाराष्ट्र में ही रहते? कहाँ, जिला कौन सा है? गोंदिया, तहसील तरोड़ा। जाओ आज से पूरे परिवार पे कृपा हो गए, तुम्हारे घुटना ना बदले आशीर्वाद। ये जो चश्मा लगाए पीला कुर्ता पहने इनको आने देना। हाँ बेटा ठीक हो भैया? ये जो बच्ची खड़ी ना सामने, ये भभूति दे दो। हाओ आओ, कैसे हो? हाँ हाँ, बहुत उल्टा है वो, देखा हमने उसके बारे में, उल्टा है, बात नहीं मानता है, परेशान भी बहुत करता है। तुम्हारा बालक आनंद बच्चे के लिए हमें आप फोटो दे देना, पेशी शुरू कर दो, हम उसकी बुद्धि ठीक करवा देंगे। ठीक, खुश? तुम सनों में कहाँ रहते हो? तुम धाम आ जाइयो, सो श्री रामनगर में, तुम सर में धाम, बागेश्वर धाम आ जाओ, फोटो लेके आनंद की। यहां पर अगर ना मिल पाए तो आ जाना आशीर्वाद। हाँ आ जाओ भैया, नली लगाए हुए हैं, बीमार रोगी को आने देना। हाँ तुम कैसे बेटा, कहाँ है, फोटो दिखाओ जरा, एक मिनट। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। ये भी ठीक है, ज्यादा लोगों को लाभ मिल जाता है। क्या नाम है इनका? अच्छा, कैंसर नामक रोग, वाह, चौथी स्टेज। हमें फोटो कैसे मिलेगी भैया? ये कहां रहते हो? वर्धा, बहुत गंभीर हालत है, बढ़ता चला जा रहा है, हम कर रहे विधि, आप हमें फोटो दे दो। ठीक, भभूति पहुंचाओ, जाओ बालाजी कृपा करें, डॉक्टर ही सलाह भी चलाना। हाँ बेटा दे दो बिटिया से, एक रोगी के साथ वाले आ जाओ, रोगी को वहीं रहने दो, रोगी को मत हैरान करो भाई। हाँ चेला आशीर्वाद है, इनको तो नली भी डली है, नली डली हुई है, चलने में भी दिक्कत है, उठ बैठ भी नहीं पाते हैं, लगातार समस्या 2018 से बनी हुई है, और दवा भी काम नहीं कर रही है, असर बिल्कुल भी नहीं कर रही है, शरीर भी सूख रहा है, इन्फेक्शन भी बन गया है। कहां से हो, कहां पड़ता ये? यहां से 10 किलोमीटर वर्टी। ठीक है, हम विधि करते हैं आराम के लिए, आप धाम के नियम पद्धति शुरू करो, भभूति की रोज मालिश करनी है, जाओ जय जय होगी। हाँ माइक चालू है, खटखटा। बागेश्वर महाराज की, बोले जय श्री राम। हिंदुत्व का काम करोगे हमारा? माइक लो गुरुजी। पक्का? पक्का। क्या करोगे बताओ? जो पूरा जमता है। क्या मैं कट्टर? धर्मांतरण रोकोगे? रोकता हूँ गुरुजी। पक्का? पक्का। जय हो आकाश बाबू छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बोले जय श्री राम, जय भवानी। चलो ये जो सामने बच्चे खड़े हैं, ये टोपी लगाए हमारा पागल चेला है, इसको भभूति दे दो। हाँ इसी के साथ अब आज का क्रम ब्राह्म, बहुत लोगों की अर्जी लग गई, बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है जरा हाथ उठाओ।
पक्का जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, कल मिलेंगे। अब आज का दरबार हम विराम करते हैं। जय सियाराम। 4:30 बजे कलकत्ता में मिलेंगे। जय हनुमान जी की, जय बागेश्वर धाम। सीताराम राम राम 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 सीताराम सीताराम राम राम 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 सीताराम सीताराम राम राम सीताराम।